जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक हरकत जारी है। इस बार आतंकियों ने ओल्ड कश्मीर के कावदारा में सीआरपीएफ के एक दल पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। भारतीय जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के तत्काल बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। वो देखिए बच्चों को, तो हम जो ही मैं आए, मैंने गाड़ी पार की यहाँ पे कावड़ारा के मेन चौक पे, तो हम चले गए अंदर इस लेडी के पास। तो हम बैठे थे अंदर, ये कुछ अपना काम कर रही थी, बाहर मैंने बिग बैंग की आवाज़ सुनी, तो मैंने दरवाज़ा खोला, इन्होंने बोला ट्रांसफार्मर फट गया। तो मैं बैठा फिर अंदर, फिर मैं देखने आया कि बात क्या हुई, तो मुझे अपनी गाड़ी की तरफ नज़र पड़ी, इसके दोनों शीशे टूट गए थे। फिर पता चला ज़रा ऐसे कि ये कुछ ये ग्रेनेड का कुछ धमाका था। कुछ जख्मी भी हुआ है क्या? तो हम तो गाड़ी के साथ ही लगे, फिर पुलिस वगैरह भी आ गई, तो बाद में बाकी कुछ पता नहीं मुझे।